हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी जिस टॉपिक पे बात करने वाले, कोस्ट गार्ड के लिए सबसे भीवीआई टॉपिक होने वाला। देखो गाइस, कोस्ट गार्ड के अंदर आपको सिलेक्शन चाहिए ना, तो इस वीडियो को एक सेकंड भी स्किप मत करना, बिकॉज बना बनाया काम बिगड़ जाता है आपका। कोस्ट गार्ड के अंदर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है। कोस्ट गार्ड में देखो, बहुत लोगों के साथ सब कुछ ठीक ठाक चल रहा, स्मूथ चल रहा होता है सबका। अच्छे से वो फेज वन क्लियर करते हैं, फेज टू क्लियर करते हैं। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बारी आती है तो वो अटक के, मतलब फाइनली उनको आउट कर दिया जाता है कि तुम क्या बेटा, तुम गलत हो। क्योंकि उनके डॉक्यूमेंट्स में जरा सी भी मिस्टेक हुई तो वो डायरेक्टली बाहर करते हैं, कोई मतलब रिलैक्सेशन नहीं। तो इसलिए डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड जो भी डाउट्स है ना, मैं आपको एक एक करके डेप्थ में ले जाऊंगा। ओबीसी सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, एससी एसटी सर्टिफिकेट किस तरीके से बनवाना है, उसकी फॉर्मेट क्या होगी, सब चीज़ मैं दिखाऊंगा। और ओबीसी वालों को खास करके मैं बताऊंगा, और ईडब्ल्यूएस वालों को, क्योंकि ज़्यादा कन्फ्यूजन इन्हीं में होता है, वो सब चीज़ें। और मान लेते हैं अगर कि कोई इंसान ऐसा है वो एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करता है, या फिर कोई ओबीसी से बिलोंग करता है, या फिर उसको ईडब्ल्यूएस बनवाने का मन नहीं है, तो उस सिचुएशन में कैसे वो यूआर से फॉर्म फिल कर पाएगा, वो सब चीज़ मैं बताऊंगा इसके अंदर। तो आराम से बने रहो, एक एक डाउट को क्लियर करूंगा। बट उसके पहले एक चीज़ कहूंगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप तब पहुंचोगे जब आप एग्जाम क्रैक करोगे। और एग्जाम क्रैक करने के लिए ना, चाहे जीडीडीपी जो भी है, सेक्शन वन की तैयारी आप हमारे साथ करो। मैं गारंटी देता हूँ कि आपको जो मैं पढ़ाऊंगा ना, 95% चीज़ें वहीं से आने वाली चीज़ें, 5% चीज़ें अलग से कहीं से भी हो सकती है। तो इसलिए 100% की गारंटी नहीं, 95% चीज़ें ठीक है। तो जैसे कि मैं आपको बताऊँ, सेक्शन वन चाहे जी डी डी बी यात्री कुछ भी हो, सेक्शन वन सबके अंदर आता है। सेक्शन वन मतलब वो पार्ट जो कि डीबी का है, और सबके अंदर जी डी में भी आता है और यांत्रिक में भी आता है। उसकी कंप्लीट कोर्स मैं कराऊंगा सिर्फ 900 रुपये में। और 900 रुपये सुनने में बहुत ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत कम है। क्यों मैं बताता हूँ, ए टू जेड स्टडी ऐप के ऊपर जब जाओगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, डाउनलोड करके वहाँ से आप चेक करना, उसमें कंप्लीट वीडियो कोर्सेज दी जाएगी। अगर जो सेक्शन वन में इंग्लिश आता है, मैथ आता है, रीजनिंग आता है, साइंस आता है, जीके आता है, ये सब रिकॉर्डेड क्लासेज आपको कराई जाएगी। साथ ही साथ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी आपको वहाँ पे सेक्शन वन का दिया जाएगा, और सेक्शन टू का भी अगर आता है तो उसका भी टेस्ट सीरीज उसी के अंदर दे दिया जाएगा। अगर कोई बच्चा जीडी वाला हो, अगर सेक्शन वन के लिए पढ़ रहा है हमारे पास, तो उसको अवेलेबल कराए आगे आगे चल के। और वो अगर पीडीएफ जो हमारी पेड वाली आती है, उसकी भी वैल्यू 200 के आसपास होती है, वो सब कुछ इसी के अंदर मिल जाएगा। अलग से पे कुछ नहीं करना पड़ेगा, ना टेस्ट सीरीज के लिए पे करना है, ना पीडीएफ के लिए। और ओल्ड वाली और न्यू वाली सारी पीडीएफ, सारी टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी। कुल मिला के ये 2000 का बैच, 2500 का बैच आपको 900 रुपये में दे रहा हूँ। ये भी एक लिमिट टाइम के लिए, 01/2024 बैच के लिए। तो अभी आप ए टू जेड स्टडी ऐप को डाउनलोड करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अगर डाउनलोड करने के बाद भी समझ में नहीं आता है तो आप व्हाट्सअप करके पूछ लो 7279047787 पे, किस तरीके से पेमेंट करना है बैच के लिए। बाकी अगर इंटरनेट अच्छा से चलाने आता है तो आप खुद से भी कर पाओगे ठीक है। अगर ओल्ड पीडीएफ खरीदना चाहते हो तो व्हाट्सअप करके 50% डिस्काउंट पे ओल्ड वाली पीडीएफ खरीद सकते हो। अब आ जाते हैं हम लोग सर्टिफिकेट पे। ये सभी चीजों को अभी थोड़ा साइड में रखते हैं। सबसे पहले ना वो है चीज आधार कार्ड ठीक है। आधार कार्ड आप जरा चेक करो, आधार में आपका नेम, आपके फादर्स का नेम, ठीक, फादर का नेम ठीक है, उसमें डेट ऑफ बर्थ और उसके बैकग्राउंड में एड्रेस, ये सब चीजें जो है ना केयरफुली होके। आपका नाम जो है आधार कार्ड पे, वो आपके 10th क्लास के सर्टिफिकेट और मार्कशीट पे जो है उसी स्पेलिंग में होना चाहिए, थोड़ा सा भी गड़बड़ नहीं। आपके फादर्स का नाम जो है 10th क्लास के जो सर्टिफिकेट पे है, सेम टू सेम आधार पे होना चाहिए। और आपका डेट ऑफ बर्थ जो 10th क्लास के सर्टिफिकेट पे है, वो सेम टू सेम होना चाहिए आधार कार्ड पे। और पीछे का जो एड्रेस है वो वही होना चाहिए जो आपके डोमिसाइल सर्टिफिकेट पे होता है, डोमिसाइल भी आगे बनवाना है। तो ये सब चीज़ों को में अगर कहीं भी आपका गड़बड़ है, अभी बहुत टाइम है, आप इन सबको सुधरवा लो, आधार को सुधरवा लो ठीक है। अगर कहीं भी गड़बड़ लग रहा है तो पहला चीज ये कि आपको आज ही जाके आधार सुधरवाना है ठीक है, जहां भी आधार करेक्शन होता है जिस भी केंद्र में ठीक है, अब जाके आधार सुधरवाओगे स्पेलिंग वगैरह ध्यान से ओके। और आधार कार्ड पे अपना जो नंबर डलवाना आप, वही जिसपे ओटीपी आ सकता है, वो सब चेंज करा लो, क्योंकि आगे काम आ सकता है। तो ओटीपी सब कुछ का जो सीन है आधार कार्ड से लिंक जो है नंबर, वो सब ठीक करा लो अभी ठीक है। अब आ जाओ हम लोग एजुकेशनल पे। हम लोग अभी एससी एसटी ओबीसी सर्टिफिकेट को साइड में रखते हैं और ईडब्ल्यूएस को, मैं इसके बारे में बताऊंगा। बट उससे पहले आपका 10th का मार्कशीट,
एक टेंथ का मार्कशीट अलग होता है और एक टेंथ का सर्टिफिकेट जो 2 या 3 साल के बाद आता है, और ये सीबीएसई वालों के साथ नहीं है। सीबीएसई वाले जो है ना, इनका सिर्फ मार्कशीट मिलता है, बाकी स्टेट बोर्ड। एक काम करो, अगर आप बिहार से हो तो मैं लिख के दे रहा हूँ आपको। जैसे हमारे पास एक टेंथ का मार्कशीट होता है और 2-3 साल के बाद एक सर्टिफिकेट आता है, वो भी होता है। तो आप स्कूल से जाके अगर आपने नहीं निकलवाया सर्टिफिकेट, कहोगे सर मेरे को मूल प्रमाण पत्र चाहिए, या फिर 2-3 साल के बाद जो सर्टिफिकेट आता है टेंथ का वो चाहिए, वो ले लेना। प्रोविजनल अलग होता है और एक 2-3 साल के बाद जो सर्टिफिकेट आता है वो अलग होता है। तो ये दो चीजें, प्रोविजनल का कोई डिमांड नहीं है यहाँ पे, एक मार्कशीट और एक सर्टिफिकेट, ये दो चीजें ले लेना। बाकी अदर स्टेट की हो अगर आप बिहार को छोड़ के, तो अपने स्कूल में जाके पता करो कि ऐसा कुछ सर्टिफिकेट आता है कि नहीं आता है, तो निकलवा के रख लो। और सीबीएसई वालों को छोड़ के मुझे जहां तक पता है कि सबका आता ही आता है, तो स्कूल में जाके पता करो, या फिर कोई एडिशनल मार्कशीट भी है तो वो भी ले लेना। बट ये इफ एप्लीकेबल लिखा है, जैसे किसी किसी का कुछ एडिशनल सब्जेक्ट होता है, उस सिचुएशन में एडिशनल मार्कशीट मिलते हैं, तो अगर मिलता है तो ठीक, नहीं मिलता तो ये उतना कंपलसरी नहीं है, ठीक है। फॉर्म फिलअप करते टाइम ये कुछ चीज़ें सेलेक्ट मत कर लेना, अगर पूछेंगे बोलोगे एडिशनल मार्कशीट है तो वहाँ पर पट से सेलेक्ट करके कुछ भर मत देना, ठीक है। तो ये सभी चीज़ों को ध्यान में रखना। फॉर्मूला फॉर कन्वर्जन ऑफ CGPA ग्रेड इनटू परसेंटेज फॉर क्लास 10th इफ एप्लीकेबल। देखो ये खास करके CBSE वालों का है, उनके मार्कशीट पे ना वो फॉर्मूला या फिर वो होता है क्या कहते हैं ना, कितना परसेंट है उस CGPA से ग्रेड वाला कन्वर्ट करने का, तो वो सब चीज होता है। तो इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है, उसको साइड रहना, तो स्टेट बोर्ड वालों के लिए कोई काम नहीं है, और CBSE वालों का मार्कशीट के पीछे रहता है, ठीक है। ये NOC उनके लिए है जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, बाकी इसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर आप GD DB या फिर यांत्रिक की आती है तो उस सिचुएशन में इन सब का काम है। साथ ही साथ अगर जो GD से फिल कर रहे हैं, ये सब तो चाहिए ही चाहिए, DB वालों को बस फिलहाल इतना चाहिए, OBC SC ST भी रह गया, मैं बताऊंगा आपको, ठीक है, रुक जाओ। लेकिन आप अगर GD से हो तो साथ साथ ये ऊपर का भी चाहिए, और साथ ही साथ 12th का मार्कशीट और 12th का सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है, और कुछ एडिशनल है तो वो, और उस पे नाम जो 10th का है 12th का है सब एक जैसा, और आधार पे है वो सब एक जैसा होना चाहिए, ठीक है। नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, कहीं भी मिसमैच है तो सुधरवा लो। अब देखो, अब हम बात कर लेते हैं मेनली, रुको, इसके अलावा देखो मेरे हिसाब से ठीक है, इधर कोई दिक्कत नहीं है। एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता है जो निवास प्रमाण पत्र कहते हैं, देखो रेसिडेंट सर्टिफिकेट नहीं, डोमिसाइल। डोमिसाइल का मतलब होता है आपका परमानेंट एड्रेस। एक रेसिडेंट होता है, मान लो मैं अगर बिहार में किसी एक रोहतास जिले से हूँ और मैं पटना जाके पढ़ाई कर रहा हूँ, मैंने वहां से कुछ सर्टिफिकेट बनवा लिया है, या फिर कुछ बिहार के लोग कहीं और जाते हैं लाइक बहुत टाइम से रह रहे होते हैं कहीं और रेसिडेंट, वो उनको परमानेंट एड्रेस वो नहीं है। जैसे झारखंड जाके रह रहे हो, कुछ लोग दिल्ली रह रहे हैं, वहां पे भी आपने कुछ सर्टिफिकेट बनवा लिया, बट आपका परमानेंट एड्रेस जहाँ का, परमानेंट एड्रेस को डोमिसाइल कहते हैं। तो आपकी रूट जहाँ से है, आधार वगैरह जहाँ से रिलेटेड है, वहाँ का सर्टिफिकेट बनवाना, उसको डोमिसाइल सर्टिफिकेट कहते हैं, ठीक है। अगर आधार वधार सब आपने कहीं और का बना रखा है, तो सब कुछ कहीं और का ही बना लेना, ताकि उनको पता ही ना चले कि आप कहीं और से, आपका ओरिजिन है, बस आप अपना परमानेंट एड्रेस ही उसको बनवा लेना, ठीक है। बाकी डोमिसाइल का मतलब समझ गए, जहाँ से हमारे पिताजी हमारे दादाजी का परमानेंट मतलब ओरिजिन है वहां से रिलेटेड, ये डोमिसाइल। अब आ जाते हैं हम लोग, तीन सर्टिफिकेट है ये, SC ST पे, OBC पे और EWS पे। सबसे पहले SC ST मानते हैं, आप एक नया SC ST सर्टिफिकेट बनवा लो, ठीक है, बहुत ज्यादा खर्च नहीं आता है, फॉर्म आने से पहले बन के रेडी हो जाएगा, जिसपे ये चीज मेंशन हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, अपॉइंटमेंट टू पोस्ट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भले ऊपर आपके स्टेट का नाम लिखा हो वो मैटर नहीं करता, वो तो चलो ठीक है आपके स्टेट का नाम है, बट ये चीज मेंशन हो कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर अपॉइंटमेंट टू पोस्ट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब भारत सरकार के अंदर नियुक्ति के लिए, ठीक है। तो ये जो चीज है, ये चीज थोड़ा आपको ध्यान देना होगा, भारत सरकार की जो है ना भर्ती निकलती है उसकी नियुक्ति के लिए, और SC ST में बहुत बड़ा इशू नहीं है, बस ये लाइन पे थोड़ा ध्यान देना, ओके। बाकी ये सभी चीजों तो वो रहता ही है, इनका कुछ वो मतलब दिक्कत नहीं है। अगर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बनाओगे तो ये सब चीज मेंशन रहेगा, ठीक है। और एक चीज मैं बात कर लेता हूँ अब OBC के ऊपर, ठीक है। देखो OBC में खुशी से ध्यान देने लायक है, देखो ये जो सर्टिफिकेट है ये इंडियन कोस्ट गार्ड के ऑफिशियल साइट के ऊपर जो दिया हुआ वो है, बट जरूरी नहीं कि हम इसी को प्रिंट आउट कराएं, ये कोई मैंडेटरी नहीं है। देखो OBC अपने स्टेट से बनवाओ आराम से, बट स्टेट के अंदर बनवा भी रहे हो ना, तो एक चीज ध्यान देना,
ऊपर आप अगर बिहार से बनवा रहे हो तो बिहार सरकार लिखाओ, अगर उत्तर प्रदेश सरकार लिखाओ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये लाइन लिखा होना चाहिए, ठीक है। अदर बैकवर्ड क्लासेस अप्लाइंग फॉर अपॉइंटमेंट टू पोस्ट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब देखो मैं एक चीज दिखा रहा हूँ, जो कि मैंने बिहार गवर्नमेंट का ओबीसी बनवा रखा है, सॉरी बिहार में सेंट्रल गवर्नमेंट का ओबीसी बनवा रखा है मैंने अपना, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ऊपर में बिहार सरकार मेरा लिखा हुआ है, ठीक है, और लिखा हुआ है भारत सरकार की सेवाओं में नियुक्ति हेतु अन्य पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों का आवेदन करना संबंधित, ठीक है। अब कुछ लोगों को पता नहीं होता ओबीसी क्या होता है और एनसीएल क्या होता है। ओबीसी कैटेगरी जो है एक अदर बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है, इसमें दो प्रकार के ओबीसी होते हैं, एक एनसीएल और एक होते हैं सीएल, एक होता है नॉन क्रिमिलेयर एक होता है क्रिमिलेयर, ठीक है। दोनों में क्या फर्क है ये चीज समझ लो, जिस भी इंसान के घर का एनुअल इनकम अगर 8 लाख प्लस है, साल में आप 8 लाख से ज्यादा आपके घर वाले कमा रहे हैं तो आप क्रिमिलेयर में आओगे, 8 लाख या इससे कम कमा रहे हो ठीक है तो आप नॉन क्रिमिलेयर में आओगे, सालाना महीने का नहीं साल का। तो अपने इनकम सर्टिफिकेट आपने बनवाया होगा उस पर देख लो कितने हजार का आपका है, अगर वो ओवरऑल मिला के 8 लाख या फिर चलो उतना ध्यान नहीं देते तो आपको एनसीएल बनवा लो, ठीक है। अगर आपके घर में कोई गवर्नमेंट जॉब में नहीं है, बहुत ज़्यादा खेती बाड़ी नहीं है, गवर्नमेंट जॉब में है भी अगर आपके पापा तो अगर 8 लाख प्लस नहीं कमा पाते हैं, जैसे ग्रुप सी ग्रुप डी लेवल पे है, ठीक है, तो आप समझ रहे हो आपको क्या बनवाना है। देखो यहाँ पे अगर क्रिमिलेयर वालों को कोई छूट नहीं मिलता, कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलता, ठीक है, जो भी रिलैक्सेशन मिलता है उनको एनसीएल वाले को मिलता है, तो आपको एनसीएल ही बनवाना होता है, ठीक है, तो एनसीएल ही बनता है, सीएल नहीं बनता है, ठीक है ना। तो कुल मिला के ये समझ लो, ये जो फॉर्मेट दिख रहा है बिहार गवर्नमेंट का है, हिंदी में चलेगा, ओके। और एक चीज देखो यहाँ पे आपका ये क्यूआर कोड होना चाहिए ओबीसी, और डीएम लेवल तक का होना चाहिए। डीएम लेवल तक कैसे पता चलेगा, देखो पहले मैंने बनवाया था 11/5/2023 को, ये राजस्व अधिकारी आरओ लेवल तक का गया, रिवेन्यू ऑफिसर तक, उसके बाद ये एसडीएम लेवल तक बना, अनुमंडल अधिकारी तक, फिर देखो ये डीएम लेवल पे बना, एक ही को ऑनलाइन करो आरओ लेवल, जब आरओ लेवल का बन के आ जाएगा उसी को फिर से आप ऑनलाइन करोगे, एसडीएम लेवल पे जाके बन के आ जाएगा, टाइम लेता है 8 से 10 12 15 दिन का, फिर उसको डीएम लेवल तक का बनवाओगे। कुल मिला के ये तीन डेट्स लिखे होते हैं, ये तीनों का डिजिटली सिग्नेचर होता है, तो ये है आपका ओबीसी का, बाकी समझ गए होगे, ठीक है, बनवा लो। और फॉर्म फिलअप करनी होगी, जब करनी होगी उससे पहले बनवा के रेडी कर लो इसी साल का। उसके बाद ईडब्ल्यूएस का देखो, ईडब्ल्यूएस का बहुत ज़्यादा लफड़ा नहीं है, इस साल के जो फिनेंशियल ईयर का है नया बनवाओ, बाकी इनका स्टेट और सेंट्रल नहीं होता, एक ही होता है, ठीक है, तो इनका बहुत ज़्यादा इशू नहीं है, बस समझने का फ़र्क है। ये सभी डेटा मेंशन होने चाहिए, ये 1, 2, 3, 4 जो 5 है ना, ये चारों डेटा मेंशन होने चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ईडब्ल्यूएस का। तो ये जो सीन था मैंने आपको बता दिया डॉक्यूमेंट से लेके, उम्मीद है कोई भी डाउट आपकी नहीं रहेगी, एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस सब मैंने बता दिया, और यूआर कैटेगरी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर एक चीज़ सुनो ध्यान से, अगर कोई भी ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं बनवा पाता है, एससी एसटी सर्टिफिकेट नहीं बनवा पाता है, ईडब्ल्यूएस नहीं बनवा पाता है, तो वो यूआर कैटेगरी से भर सकता है, और यूआर कैटेगरी से भरने के लिए किसी भी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है कास्ट की, बस उनको बस अपने एजुकेशनल सर्टिफिकेट रेडी रखना होगा, 10th 12th यही सब जो है, आधार वगैरह। तो बाकी गाइस जाने से पहले फिर से याद दिला दूं, कोस्ट गार्ड नाविक जीडीपी यांत्रिकी सेक्शन 1 का बेस्ट कोर्स, मैं बोलता हूं ना दावा ठोक के, सेक्शन 1 के लिए सबसे बेस्ट कोर्स हमारे पास है, जो कि डीबी वाला जीडी यांत्रिक दोनों में आता है। तो इसको बाई करने के लिए, ज्वाइन करने के लिए, जुड़ने के लिए आप आराम से टू जेड स्टडी ऐप डाउनलोड करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अगर कुछ ना समझ में आए तो व्हाट्सएप कर लो, और कोस्ट गार्ड के ओल्ड पीडीएफ्स को बाई कर लो, 50% डिस्काउंट पे मिल रहा है, न्यू पीडीएफ्स आने में कम से कम 20 से 25 दिन लगेंगे अभी, तब तक ओल्ड पीडीएफ को प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। और ये जो कोर्स में जुड़ेगा उसको कोई पीडीएफ अलग से खरीदने की जरूरत नहीं है, टेसरीज खरीदने की जरूरत नहीं है, सब कुछ मिल जाएगा। बाकी जनाब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के पप्पा वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना।